नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम गुप्त धन, इसे हम आकस्मिक धन प्राप्ति भी कह सकते हैं या फिर जमीन में गड़ा हुआ धन भी कह सकते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुप्त धन यानी ऐसा धन जो आपका नहीं है और न ही आपने कोई मेहनत से पाया है, यह आपको सडनली आपके नसीब से मिलता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये वीडियो जो है उसको आप शुद्ध बुद्धि से अप्लाई करिएगा। ये वीडियो में अपने ज्योतिष जिज्ञासु जो है उनके नॉलेज के लिए रख रहा हूँ, इससे इसका दुरुपयोग ना करें और न ही इससे मिसगाइड हो, ये ज्योतिष की जानकारी के लिए मैं रख रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि कोई भी कुंडली हो, जैसे कि ये आपकी कुंडली है, तो उसमें ये द्वितीय भाव जो है उसको ज्वेलरी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आपकी जो भी ज्वेलरी है, जो भी गहने हैं, गोल्ड है, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। पंचम भाव जो है वो त्रिकोण है, नवम भाव त्रिकोण है ये, तो यहाँ पे 2, 5, 9 और 11वां भाव लाभ भाव, तो ये चार जो भाव है वो धन या सोर्स ऑफ इनकम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आठवां भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गुप्त धन के लिए, क्योंकि ये धन वो धन है जो आपका नहीं है, ना आपकी मेहनत से आपने पाया है। तो देखिए, ये आप हो लग्न यानी आप, सप्तम भाव यानी आपके सिवाय के लोग, सामने के लोग, और ये सप्तम भाव से ये द्वितीय भाव हुआ, सप्तम से ये द्वितीय भाव हुआ जो सामने वाले का धन, ये धन जो है वही आपका गुप्त धन है या आपकी आकस्मिक धन प्राप्ति है। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझ ले आप, कि जब भी अष्टम भाव, ये अष्टम भाव है, ये लग्न प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठ सप्तम और अष्टम, अष्टम भाव का संबंध जब भाग्य भाव के मालिक से, ग्यारहवें भाव के मालिक से, द्वितीय भाव के मालिक से या पंचम भाव के मालिक से हो, और ये युति या तो ये भाव में है द्वितीय पंचम अष्टम नवम या एकादश भाव में हो और उस पे गुरु महाराज की दृष्टि हो, तो ऐसे इंसान को गुप्त धन या आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ये द्वितीय है आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये आपका पूर्व पुण्य का है, तो गुप्त धन मिलना, आकस्मिक धन प्राप्ति भी एक पूर्व पुण्य का ही फल है, ये नसीब है नौमा भाव, और ये ओवरऑल लाभ भाव है आपका, जो आपको जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो ये जो भाव है चार भाव, उसका संबंध अष्टम भाव से हो, इसका हो, इसका हो, नवम का हो या ग्यारहवें भाव, कोई भी चार में से एक दो तीन या चारों भाव का संबंध अष्टम भाव से हो, और ये युति ग्रहों की यानी इसका मालिक जो है द्वितीय भाव का मालिक अष्टम भाव के मालिक के साथ यही भाव में हो और उस पे गुरु महाराज की दृष्टि हो, तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और ये जब मिलना होगा तब आपको मिलेगा, यानी ये जो भाव है उसके मालिक की जब भी दशा आती है, अंतर दशा आती है, आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह की दशा आती है, लग्न भाव के मालिक की दशा, पंचम भाव या नवम भाव के मालिक की दशा आती है, तब ये आपको प्राप्त होता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, कई लोग ये गुप्त धन के लिए अपनी मेहनत का जो धन है वो भी खो बैठते हैं, तो ऐसा मत करिए, कोई भी आपको धन लाके नहीं दे सकता है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो ये धन आपको लाके दे दे। और एक बात, कई लोग वो जो झोपड़े के अंदर जो भी बैठे होते हैं तांत्रिक, उनके पास ये धन लेने के लिए जाते हैं कि भाई ये धन हमारा निकालो, एक बात आप याद रखो, जो तांत्रिक अपना छपरा जो है वो बदल नहीं सकता है, वो आपकी किस्मत कैसे बदलेगा, वो कहाँ से वो ऐसा धन ढूंढ के लाएगा आपके लिए, तो ये सब पूरा चिटिंग है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये गुप्त धन के लिए अपनी मेहनत का धन न खोए, ये जब आपको मिलना होगा आपको मिल ही जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मिला, यानी इसके लिए आप गलत जगह पे घूमे मत, अपनी मेहनत के पैसे ना खर्चे, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक बात, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये इंसान जो है उसमें ऐसी गट्स है कि वो ला सकता है, तो एक बात सुनिए, अगर वो ला सकता है तो वो आपको क्यों ना, आपको क्यों दे, वो खुद ही ना रखे। कई बार ऐसे फोन आते हैं, भाई मुझे गड़ा धन मिला है, वो मैं आधे भाव में बेचना चाहता हूँ, तो ये सब चीटिंग का ही कामकाज है,
एक बात समझिए, कोई पागल को आप अगर सोने का बिस्कुट दे दोगे तो भी वो पूरा दिन लेके घूमता रहेगा, किसी को नहीं देगा। अगर पागल को इतना समझ आता है कि ये गोल्ड है, तो क्या जिसको ऐसा गड़ा हुआ धन मिला है वो आपको आधे भाव में कैसे देगा? तो ये सब ध्यान रखिए, गुप्त धन के लिए अपनी मेहनत का जो है धन उसे कभी भी न खर्चे। अगर आप ज्योतिष और वास्तु के बारे में कोई भी मशवरा चाहते हो, एडवाइस चाहते हो, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर 0971218080। ईमेल कर सकते हो आप info@astrolchemist.com। धन्यवाद।